आज ये काम का आगाज आज बरोज़ इतवार जो है यहाँ शेरशाह मीरानाका रोड पे हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाकीवाड़ा रोड पे काम के आगाज़ के बाद अब जो है बतदरीज जो है आहिस्ता आहिस्ता शेरशाह मीरानाका रोड पर काम का आगाज़ किया गया है, क्योंकि ये भी उसी काम का हिस्सा था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये काम जो है ये तकरीबन वज़ीर आला सिंध ने तकरीबन कोई आज से 1.5 साल पहले मंजूर किया था, और लेकिन उसके बाद ये मामला कोर्ट में चले गए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया और हम इस पर वक्तन फवक्तन पैकेजेस बनाते रहे हैं। और हमने बताया था अपने पैकेजेस में मुर्तज़ा वहाब की ज़ुबानी के स्टे ऑर्डर की वजह से काम रुका हुआ था। अब वो स्टे ऑर्डर ख़त्म हुआ है और काम का आगाज़ हुआ है, और आपने देखा कि चाकीवाड़ा रोड पर भी जो है काम हो रहा है, आपको फुटेज में नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद आज जो है बरोज़ इतवार जो है यहाँ शेरशाह मीरानाका रोड पर भी काम का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आज से तकरीबन 1 रोज़ पहले मुर्तज़ा वहाब ख़ुद भी यहाँ तशरीफ लाए थे और उन्होंने बताया था कि जो नाला है ये भी तामीर किया जाएगा, क्योंकि एहलियाने इलाका का ये मुतालबा था कि ये रोड जो है पहले भी नाले की वजह से ख़राब हुआ, कि जब नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता ये रोड ख़राब हो गया, और अगर नाले का मसला हल नहीं किया गया तो आइंदा जब भी रोड बनेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि इस नाले की तामीर भी प्रॉपर की जाएगी, इस पर जो भी तजावजात कायम है उनको ख़त्म किया जाएगा, और नाले को सीवरेज का मसला हल करने के बाद फिर सड़क की तामीर की जाएगी। तो आज इतवार से जो है यहाँ काम का आगाज़ हुआ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि चाकीवाड़ा रोड पर भी और शेरशाह मीरानाका रोड पर भी काम की रफ़्तार को तेज़ किया जाए, क्योंकि इंतहाई मसरूफ़ सड़क होने की वजह से लोगों को तकलीफ़ का सामना है जो बहरहाल कामों के दौरान होता है। लेकिन यह है कि कोशिश ये की जाए कि जल्द अज़ जल्द काम को आसान अंदाज में मुकम्मल किया जाए, और ख़ासकर शेरशाह मीरानाका रोड पर नाले की तामीर करने के साथ इसको बनाया जाए। इधर जब बारिश होता था ना तो पलाई मैंने डंपर डाल डाल के जो है ना जिस जगह पे खड़े होता था कयूम को बोलता था कि लोडर ले आओ भाई, अल्लाह वास्ते उसको लेवल करा दो। आपने कितना डंपर डाला, काला मिकस भी डाला, अभी तक किसी ने जो है ना इस रोड के तरफ तवज्जो नहीं किया। हमारा तो कराची में 30 साल हो गया, ये रोड वैसे कि वैसा था, लेकिन ये रोड मेन इलाका है, कबाड़ी बाजार है, दूर दराज से लोग आते हैं, शेरशाह कबाड़ी मेन बाजार है, सोरा बोर्ड से लोग आते हैं, मंदिर से लोग आते हैं, अब चौकी से आते हैं, इधर गाड़ियों का स्पेयर पार्ट मिलते हैं सब कुछ, और रोड का हाल यही था। अभी जो है ना इमरजेंसी रात को शुरू किया, रात 10 बजे से, तो ये 24 घंटे चलेगा, अभी सब लोग थक गया। नहीं, नाले भी जो है ना जब ये ऊपर हो जाएगा तो रोड का कंडीशन सही हो जाएगा, जब ऊपर नहीं होगा रोड बनेगा फिर पानी आएगा, फिर वैसा के वैसा होगा। हाँ तो नारा ऊपर करना पड़ेगा ना, मलेरिया का सारा जो कंक्रीट हो गया ना, डामर हो गया, तो नाले भी साथ ऊपर हो गया। हाँ इंशाल्लाह काम चलेगा और ये हो जाएगा। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़ कराची।